लोगों ने अनेकों फिल्मों और कॉमिक्स की किताबों में एलियंस के बारे में अवश्य पढ़ा, सुना और देखा है। आपने क्रिस की पहली मूवी कोई मिल गया अवश्य देखी होगी, जिसमें एक एलियन देखने को मिलता है। हालांकि इसके अलावा भी एलियंस पर आधारित अनेकों हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। इसलिए एलियन क्या है और क्या सच में एलियंस होते हैं, यह जानना बेहद ही जरूरी हो गया है। हमारा वीडियो पिछली अनेकों एलियंस की न्यूज पर आधारित है, जिसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि एलियंस क्या है और क्या एलियन सच में होते हैं या नहीं। देखा जाए तो एलियंस एक काल्पनिक कहानी की तरह लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी तक एलियंस के होने या न होने का कोई भी पक्का सबूत नहीं है। हम सभी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी के समान अनेकों ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। जिस तरह हम अपनी पृथ्वी पर रहते हैं, उसी तरह हो सकता है कि अन्य ग्रह पर भी हमारी तरह जीव रहते होंगे। एलियंस हमारी तरह ही जीव होते हैं। एलियन उन्हें कहा जाता है जो हमारी पृथ्वी पर नहीं रहते, मतलब ऐसे जीव जंतु एलियंस कहलाते हैं जो अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, शनि इत्यादि पर रहते हैं। अन्य ग्रहों पर रहने वाले सभी जीव हमारे लिए एलियंस हैं और हम उन ग्रहों पर रहने वाले के जीवों के लिए एलियंस हैं। एलियन के होने के अनेकों सबूत मिले हैं, लेकिन कोई सबूत सटीक से यह नहीं बताता है कि एलियन होते हैं या नहीं। यह बहुत बड़ी बात है कि हम कई वर्षों से एलियंस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने प्रत्यक्ष एलियन को नहीं देखा है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश या वैज्ञानिक संगठन ऐसा नहीं है जो एलियन के अस्तित्व को नकार दे सके। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन होते हैं, लेकिन वे हमारी नजरों से छुपे रहते हैं और वे हमारी धरती पर छुप छुप कर आते रहते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी सोचते हैं कि तकनीक और विज्ञान की दृष्टि से दूसरे ग्रह के प्राणी पृथ्वी के प्राणियों से काफी अद्भुत और विकसित है। साल 1936, दुनिया पर एलियन का पहला सबूत। इंसान करीब पिछले 100 वर्षों से एलियन की तलाश कर रहा है और इसके लिए अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जा रहा है। इसके अलावा धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही है ताकि कोई मानव समान एलियन प्रजाति का पता चल सके। लेकिन लगभग 100 वर्ष हो गए, लेकिन एलियन का कोई संदेश नहीं मिला। एलियन के मौजूदगी की दुनिया में सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना 1936 में बर्लिन में हुई, ओलंपिक के दौरान देखी गई थी। इस घटना का टीवी पर काफी प्रसारण भी हुआ था, लेकिन कोई भी पक्के सबूत नहीं मिले कि आखिरकार एलियन है या नहीं। पृथ्वी से एलियन की तलाश में अनेकों रेडियो तरंगे अभी तक भेजी जा रही है ताकि एलियन का जवाब मिल सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि रेडियो तरंगे अब तक हमारे सबसे करीबी और मंडल से भी आगे पहुंच चुकी होगी, लेकिन एलियन का अभी तक कोई संदेश नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि हमारे करीबी एलियन का विकास नहीं हुआ हो, मतलब वे अभी भी वायरस जीवाणु की तरह बहुत छोटे हो, या यह भी हो सकता है कि एलियन हमारी कल्पना से अलग हो और उन्हें खोजने का तरीका भी अलग हो, या इस ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह होंगे और उन सभी ग्रहों पर हमारा पहुंच पाना मुश्किल है, या यह भी हो सकता है कि एलियन हमसे ज्यादा विकसित हो इसलिए वे हमारी नजर में नहीं आ रहे हैं। पृथ्वी पर भारत में एलियन होने के सबूत। एलियन के होने की कहानियां अनेक हैं, लेकिन एक भी कहानी सबूतों के साथ सही साबित नहीं हुई है। भारतीय जमीन पर दूसरे ग्रहों से आए प्राणियों के कुछ सबूत मतलब निशान मिले हैं। भारत की नर्मदा घाटी में शोध करने वाले एक वैज्ञानिक दल ने कहा कि रायसेन से करीब 70 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के गुफाओं सहित पत्थरों पर प्राचीन शैलचित्र मिले हैं। उनके अध्ययन से पता चला है कि प्राचीन काल में एलियंस इस प्रदेश में आए थे और इस जंगल के आदि मानव उनके बारे में अवश्य ही जानते होंगे। शैलचित्रों पर एलियन के चिन्ह और उड़न तस्तरी की तस्वीरों को भी उकेरा गया, अर्थात जंगल के आदि मानव जिन्होंने शैलचित्र बनाए हैं उन्होंने अवश्य एलियन को देखा होगा। लेकिन फिलहाल इन उड़न तस्तरियों द्वारा आने जाने वाले एलियन की कहानी रहस्यमय ही है। साल 1950, एक मशहूर भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने
1950 में अपने एक सहकर्मी से सवाल पूछा था कि आखिर वो कहाँ है, और यह सवाल आज तक काफी ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। उस समय यह सवाल काफी ज्यादा मशहूर हुआ था और इस सवाल के कारण पैदा हुए विरोधाभास को आज भी फर्मी पैराडाइस का कहा जाता है। ब्रिटेन वैज्ञानिक चंद्र विक्रम सिंह का पक्का सबूत एलियन होता है। हाल ही में ब्रिटेन के एक शीर्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि एलियन होते हैं और उसके पुख्ता सबूत भी है। श्रीलंका में एक उल्का पिंड का टुकड़ा गिरा था जिसका अध्ययन करने पर पता चला कि पिंड पर एल्गी यानी कि शैवाल के छोटे छोटे जीवाश्म के चिपके हुए हैं। यह देखने में बिल्कुल समुद्री शैवाल की तरह दिखाई दे रहे थे, इसे ग्राफिक प्रमाणित होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एलियन होने या न होने का रिसर्च जो किया गया था वह आपके सामने रखा है। आपका राय, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।